हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से डील किया है। हमने सेक्शन 18 को कंप्लीट वे में समझा है। अपने अब तक के डिस्कशन को अगर हम इन शॉर्ट रिकॉल करें तो हमने सेक्शन 5 को कवर किया है विच टॉक्स अबाउट कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। सेक्शन 6 जो कि रिपील हो चुका है जो बात करता था गार्जियनशिप इन हिंदू मैरिज। 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। हमने सेक्शन 9 को कवर किया विच टॉक्स अबाउट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, वैवाहिक अधिकारों का पुनः स्थापन। सेक्शन 10 को हमने कवर किया जो कि जुडिशियल सेपरेशन को लेकर के। 11 वॉइड मैरिज, 12 वॉइडेबल मैरिज, 13 डाइवोर्स, 13A अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, 14 नो पिटिशन ऑफ डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। दिस इज जनरल रूल अंडर सेक्शन 14, बट देर आर 2 एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शनल हार्डशिप, दूसरा एक्सेप्शनल डिप्रेविटी। सेक्शन 15 डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। 16 लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज। 17 पनिशमेंट फॉर बाइगेमी और 18 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज। इतने सेक्शंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है और इन सभी सेक्शंस को दोबारा से बोलने का जो पर्पस था वो यही था कि आपको ये सभी सेक्शंस रिकॉल हो जाएं, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बार बार सुनते हो तो वो चीज़ यहाँ पे फील हो जाता है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 19 के बारे में और इस तरह से अब हम एंटर कर गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के चैप्टर 5 में, विच टॉक्स अबाउट जुरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर। जुरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर, यानी क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया। चैप्टर 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट स्टार्ट्स विथ सेक्शन 19 टू सेक्शन 28A। नाउ अब हम इन सभी सेक्शंस को कवर नहीं करेंगे, हम केवल उन्हीं सेक्शंस को कवर करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो आपको हर हाल में पढ़ना चाहिए और जहां से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। जैसे हम बात करेंगे सेक्शन 19 के ऊपर, वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 22, 24, 25, 26, 27 एंड 28, राइट। तो यानी आने वाले लेक्चर्स में हम इन सभी सेक्शंस को कवर करेंगे और इस तरह से हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का जो लेक्चर सीरीज है आफ्टर कंप्लीटिंग लेक्चर ऑन सेक्शन 28 ख़त्म हो जाएगा और हम हिंदू मैरिज एक्ट के उन सभी सेक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 19 के बारे में जो कि बात करता है कोड्स टू विच पिटिशन अंडर दिस एक्ट shall be presented. यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अगर आप किसी पिटिशन को प्रेजेंट करते हो तो आप किस कोर्ट में प्रेजेंट करोगे और किस कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा कि वो कोर्ट आपके उस पिटिशन को एंटरटेन करे। बेसिकली जो पार्टीज टू द मैरिज हैं यानी हस्बैंड एंड वाइफ,
हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी अगर सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल करता है तो किस कोर्ट में करेगा, सेक्शन 10 का पिटीशन अगर प्रेजेंट किया जा रहा है तो किस कोर्ट में किया जाएगा, इफ पिटीशन इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड ऑन सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 यानी डाइवोर्स का पिटीशन है, कंटेस्टेड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स का पिटीशन है तो किस कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। अगर पिटीशन प्रेजेंट किया गया है अंडर सेक्शन 14 या अंडर सेक्शन 13B, तो बेसिकली ये जो सेक्शन है सेक्शन 19 हमें ये कन्फर्म करता है कि किस कोर्ट में इस अधिनियम के तहत अगर कोई पिटीशन प्रेजेंट किया जाता है तो वो कोर्ट कौन सा होगा जहां ऐसे पिटीशंस फाइल किए जाएंगे और ऐसे पिटीशंस को वो कोर्ट एंटरटेन करेगा, राइट। सेक्शन 19 क्या कहता है आगे समझते हैं। एवरी पिटीशन अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत सभी पिटीशंस शैल बी प्रेजेंटेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत सभी पिटीशंस, फिर चाहे वो पिटीशन सेक्शन 9 का हो, 10 का हो, 13 का हो, 14 का हो या 13B का हो या कोई भी पिटीशन, कहां प्रेजेंट किया जाएगा, जिला न्यायालय में प्रेजेंट किया जाएगा, विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ हूज ऑर्डिनरी सिविल ज्यूरिसडिक्शन, जिसके सिविल ज्यूरिसडिक्शन में ये सभी चीजें हुई हो, जिसमें सबसे पहला कहता है द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड, तो सबसे पहला क्या है द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड, जिन दो पार्टीज के बीच विवाह संपन्न हुआ है वो जिस जगह पे संपन्न हुआ है उस जगह पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहीं पर इस पिटीशन को प्रेजेंट किया जाएगा, यानी इस एक्ट के अंदर कोई पिटीशन है तो उसी जगह पे प्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच जो विवाह संपन्न हुआ था वो दिल्ली के किसी प्लेस पर हुआ था, अब यहाँ पे जो सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज है उससे हमारा मतलब ये है कि सप्तपति यानी सात फेरों का जो रस्म है वो किस जगह पे किया गया था, उस जगह पे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वहीं पे पिटीशन फाइल किया जाएगा। अब देखो यहां पे लिखा है द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड, यानी ये जो ऑप्शन है ये दोनों पार्टीज को अवेलेबल है, राइट। तो जो प्लेस ऑफ मैरिज है वेयर द सेरेमनीज ऑफ मैरिज वर परफॉर्म्ड वो पहला ज्यूरिसडिक्शन होगा, और वहां पे जो कोर्ट होगा उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा कि उन पिटीशंस को वो क्या करे, एंटरटेन करे। दूसरा द रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन रिसाइड्स, अब सपोज करो कि जो पिटिशनर है वो है वाइफ, वाइफ इज पिटिशनर, और वाइफ ने सेक्शन 13 का पिटीशन फाइल किया है, तो दूसरा जो रूल है वो ये कहता है कि इस केस में जो रेस्पोंडेंट है वो कौन है, हस्बैंड है, तो वाइफ के पास दूसरा ऑप्शन ये अवेलेबल है कि रेस्पोंडेंट जिस जगह पे रह रहा है वहां पे वाइफ इस एक्ट के तहत किसी पिटीशन को फाइल कर सकती है, या अगर पिटीशनर हस्बैंड है तो यहां पे रेस्पोंडेंट कौन हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, तो वाइफ जहां रह रही है वहां पे हस्बैंड के पास ऑप्शन है कि उस जगह पर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, तो वहां पे पिटीशन फाइल किया जा सकता है। तो दिस इज सेकंड ऑप्शन अवेलेबल टू ईदर पार्टी। तीसरा, पार्टीज टू मैरिज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर, हस्बैंड और वाइफ पूर्व में किस स्थान पर एक साथ रहे हैं उस जगह पर भी पिटीशन फाइल किया जा सकता है बाय ईदर पार्टी अंडर दिस एक्ट। क्लॉज 3 का सब क्लॉज 1 है, इसमें जो प्रेफरेंस दिया गया है वो वाइफ को दिया गया है,
in case wife is petitioner where she is residing on the date of presentation of petition. So section 19 clause 3 sub clause 1 special preference देता है wife को कि wife जिस समय petition present कर रही है इस act के तहत जिस जगह पे वो रह रही है उस जगह पे petition file कर सकती है. तो यहाँ पे wife के convenience को ध्यान में रखा गया right? और इस केस को husband transfer नहीं करा सकता है because special preference has been given to wife under section 19 subsection 3 Clause 1. Last कहता है, the petitioner is residing at the time of presentation of petition in a case where the respondent is at that time residing outside the territory. तो यहाँ पे जो petitioner है वो husband भी हो सकता है, wife भी हो सकती है. तो कब? जिस जगह पे husband या wife रह रहे हैं उनमें से कोई एक रह रहा है वो उसी जगह पे पिटीशन फाइल कर सकता है तब जब जो रिस्पोंडेंट है यानी इन केस वाइफ इज पिटिशनर तो जो हस्बैंड है वो ये जो हमारा एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जिस टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन तक इस एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं उससे बाहर अगर हस्बैंड रह रहा है रिस्पोंडेंट रह रहा है इस केस में जो पिटिशनर है यानी अगर वाइफ पिटिशनर है तो वाइफ जहां रह रही है वहाँ पे पिटीशन फाइल कर सकती है एंड वाइस वर्सा अगर वाइफ आउटसाइड द टेरिटरी रह रही है जहाँ इस एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है तो हस्बैंड जहाँ रह रहा है वहाँ इस पिटीशन को फाइल कर सकता है राइट या और हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years या जो रेस्पोंडेंट है वो पिछले 7 सालों से उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है इवन उसके जो नेचुरल रिलेटिव्स हैं उन्हें भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है रेस्पोंडेंट इज कंटिन्यूअली अनहर्ड फ्रॉम लास्ट 7 years तो जो पिटिशनर है वो उस जगह पे पिटिशन फाइल कर सकता है या कर सकती है जहां वो रह रहा है या रह रही है तो दिस आर द प्लेसेस वेयर Petition under this act can be filed, right? Pehla kya hai? Where the marriage was solemnized. Dusra, respondent at the time of presentation of petition resides. Tisra, parties to the marriage last resided together. Tisra ka pehla, in case petitioner is wife, the wife apne convenient ke hisab se jahan reh rahi hai, wahan pe petition file kar sakti hai. और लास्ट कह रहा है कि पिटिशनर जहां रह रहा है या रह रही है वहीं पे पिटिशन फाइल कर सकता है या कर सकती है अगर जो रिस्पोंडेंट है वो उस जगह पर है जहां इस एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है या कंटिन्यूअसली अनहर्ड है फ्रॉम लास्ट 7 years ठीक है तो दिस वाज जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स वेयर पिटिशन अंडर दिस एक्ट कैन बी फाइल्ड तो आई होप कि जो सेक्शन 19 है इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अपने पूरे एफर्ट्स के साथ मैंने इस सेक्शन को समझाने की कोशिश करी है अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करिए बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न टुगेदर वी ग्रो थैंक यू हैव अ नाइस डे